उत्तराखंड में बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई है। बादल फटने से कई गांव बह गए हैं। सरकार की ओर से घटना वाले इलाकों में रेस्क्यू जारी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में अभी तक 10 लोगों की मौत और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं में 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड के हालात बेहद खराब हैं। उत्तरकाशी के कई गांव भारी बारिश में तबाह हो गए। तिकोची में दरिया का दहलाने वाला आवेग दिखा। बादल फटने के बाद सैलाब में माचिस की डिब्बियां जैसी बहती गाड़ियां दिखी। वहीं एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल ने जानकारी दी कि मलबे में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग अभी भी लापता है। देखिए, इसमें अभी एकदम कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो ये पर्टिकुलर जो आराकोट वाला एरिया है, जहाँ पर कि कल और परसों में जो वाटर लेवल बढ़ने की वजह से, क्योंकि कल हम लोग वहाँ वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब होने की वजह से चॉपर की लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो वहाँ जो संख्या है ये अभी टोटल 16 की संख्या हमारे पास है, जो कि 10 डेड बॉडीज है और 6 कन्फर्म मिसिंग है। बारिश की वजह से राज्य में कई पुल टूट गए तो सैकड़ों सड़कें भी जमींदोज हो गई। मॉनसून की ये बारिश ने इस कदर तबाही मचाई कि कहीं पहाड़ टूटते दिखाई दिए तो कहीं जल सैलाब। उत्तरकाशी में आज बादल फटने से कहीं लोग बेघर हो गए तो कहीं जल प्रलय ने लोगों को ही निगल लिया। हालांकि घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक करीब 100 करोड़ के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। अभी 3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमने सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगा रखे हैं। हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया, आराकोट में थोड़ा कैपेसिटी लिमिटेड है, वो छोटा हेलीपैड है, तो वहाँ से अभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक सिंगल हेलीकॉप्टर ही हमारा ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए हमने मोरी हेलीपैड को भी एक्टिवेट किया, त्यूनी को भी एक्टिवेट किया, ताकि तीनों से हम काम कर सकें। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। आपदा वाले गाँव में सर्च ऑपरेशन जारी है। घायलों को दूर अस्पताल लाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड के हालात सुधरेंगे। देहरादून से राव शफात अली की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।